हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व कैसे लिखा जा सकता है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, साथ में हम लोगों ने इनके गुण पढ़े थे। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको याद कैसे रख सकते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी किरणें या रेखाएं आती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जितनी भी होती हैं उन सबको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या आवृत्ति के घटते क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो जो प्राप्त पैटर्न होता है, प्रतिरूप होता है, उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लैम्डा का बढ़ता क्रम हो या न्यू का घटता क्रम हो, क्यों, बात एक ही है। हम जानते हैं क्या लिखा जाता है, न्यू इज इक्वल टू लिखा जाता है सी डिवाइडेड बाई में लैम्डा। अगर बात कर रहे होते हैं हम किसी सी वाले माध्यम में चलने की, सी से चलती हैं, तो देखो एक दूसरे में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो लैम्डा बढ़ेगा न्यू घटेगा, तो लैम्डा के बढ़ते क्रम में या आवृत्ति के घटते क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए जो पैटर्न मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन कौन से किरणें होती हैं, रेखाएं होती हैं, तो डिस्कशन देखो यहां से शुरू होगा हमारा। यहां से देखो, यहां होती है गामा, ये है गामा किरणें, ये एक्स किरणें होती हैं, ये होती हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, विजिबल भी हैं, इसमें एक ही में बना दिया गया है। इस पॉइंट को हम थोड़ा यहां से अलग से हाईलाइट करके लिख देते हैं, हटू इस वाले पॉइंट को यहां हाईलाइट करके लिख देते हैं। यू का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रावायलेट, और यहां पर जो यू लिखा गया है वी, V का मतलब होता है विजिबल, विजिबल। ठीक है, ये होती है पराबैंगनी, वो होती है दृश्य। उसके बाद माइक्रोवेव आती है, जिसमें उसके बाद रेडियो वेव आती है, रेडियो वेव में एफएम और एएम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ऑर्डर याद कैसे रखते हैं। तो हम लोगों ने जब लाइट पढ़ा था, लाइट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो लाइट में देखा था कि जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है उसको याद रखने का तरीका होता है जी एक्स यू वी आई एम आर लिखा जाता है, IMR लिखा जाता है। ये किसका तरीका है, तो इसमें देखो तरंग दैर्ध्य क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जो आवृत्ति है वो घट रही है। इधर देखो 10^24 से उधर 10^0 की तरफ बढ़ रही है। लैम्डा देखो ये माइक जो मीटर में दिया गया वो भी कम या ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर जी एक्स यू बी, जी का मतलब पढ़ा था गामा होता है, और एक्स का मतलब होता है एक्स किरण है, और U का मतलब होता है पराबैंगनी, पराबैंगनी, और यहां पर विजिबल का मतलब होता है दृश्य, I का मतलब होता है अवरक्त इंफ्रारेड, और M का मतलब होता है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, और R का मतलब तो जानते हैं क्या होता है, रेडियो वेव होता है। बेसिकली इनकी आवृत्ति मतलब जो लैम्डा होता है इनके काफी ज्यादा होता है। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है याद रखने का, जी एक्स यू वी आई एम आर, जी एक्स यू वी आई एम आर, तीन चार बार बोलोगे याद हो जाएगा, ये तरीका हो गया। इसमें से एक और पोर्शन है जो हमें याद रखना चाहिए कि यूवी को हम एक साथ क्यों लिखते हैं। जो सूर्य होता है बेसिकली वो होता है स्रोत अल्ट्रावायलेट रेज का, पराबैंगनी किरणें और दृश्य प्रकाश जो बनता है वो सूर्य के प्रकाश से मतलब सूर्य से मिलता है हमें, लेकिन जब वो वायुमंडल में हम तक पहुंच रहा होता है तो वहां होती है ओजोन परत होती है ना, ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन क्या करता है, उन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, दृश्य प्रकाश को आगे जाने देता है। तो दोनों के दोनों बनते हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ रखा जाता है, ओजोन परत इन दोनों को पृथक कर देती है, यह स्पेक्ट्रम पूरा होता है। एक छोटा सा भाग होता है, जरा सा छोटा सा भाग, कौन सा भाग होता है, तो इसको हम लिख सकते 3800 से लगा करके 7900, या अमूमन ये मान के चलो 4000 से लगा करके 8000 एंगस्ट्रॉम वाला जो भाग होता है ये हमें दिखाई देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश कहा जाता है, लाइट इसी को कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग हमें दिखाई देता है, इससे पहले के ना हमें दिखाई देते ना बाद के दिखाई देते। लाइट में पढ़ा है हम लोगों ने कि इससे पहले का हमें नहीं दिखाई देगा ना इसके बाद का दिखाई देगा, मतलब हम गामा किरणों को, एक्सरेज को नहीं देख सकते, इधर माइक्रोवेव और रेडियो वेव को नहीं देख सकते, इंफ्रारेड वेव को नहीं देख सकते, केवल और केवल ये विजिबल वाले होते जिनको देख सकते हैं। ये 4000 से 7000 या 8000 तक ये जाता है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ लैम्डा बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया, फ्रीक्वेंसी उधर की तरफ बढ़ रही तो इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो घट रही होगी। ये होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, उसकी परिभाषा याद कैसे रख सकते हैं, कौन दिखाई देता है उसके बारे में बात हुई।
अब इसके अलग अलग पॉइंट्स को कवर करते हैं, एक एक को पढ़ना तो पड़ेगा, समझते जाओ। सबसे पहले बात करें गामा किरणों की, तो गामा किरणें कब होती हैं, गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, जितनी भी ये किरणें होती हैं नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न होती हैं। अगर कोई परमाणु है वो स्थाई नहीं है, स्थाई नहीं है तो परमाणुओं में पढ़ा था प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होगी उसकी, और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए नाभिक क्या करते हैं, समय समय पर अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिससे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उनकी कम होती है, नाभिकीय विखंडन भी इसी का कारण था। यहां पर भी देखो गामा किरणों की बात करें तो गामा किरणें बेसिकली रेडियो एक्टिवता की ही खोज हेनरी बैकुरल ने की थी, तो इसकी खोज बैकुरल और क्यूरी ने की थी। इनकी जो तरंग दैर्ध्य का परास होता है, यहां पर याद रखना, बैकुरल और क्यूरी इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसकी खोज की थी। पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी, यहां पर 10^-10 मीटर तक की होती है, ये 10^14 से लगा करके 10^14 से लगा करके 10^-10 मीटर, और आवृत्ति का परास लिख लो 10^22, मतलब 3×10^22 से 3×10^18 हर्ट्ज तक होती है, ये होती है इनकी आवृत्ति। ये किरणें परमाणुओं के नाभिकों के विघटन द्वारा उत्पन्न होती हैं। कैसे उत्पन्न होती, परमाणु तथा नाभिक चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अल्फा कण निकलता है तो अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, और बीटा निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, अल्फा जब निकलता है तो परमाणु भार में 4 की कमी होती है, और बीटा जब निकलता है तो परमाणु भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गामा जब उत्सर्जित होता है तो न परमाणु भार पर फर्क पड़ता है न परमाणु क्रमांक पर, ऊर्जा घट जाती है उस परमाणु की। तो यहां पर देखो इनका स्रोत नाभिकीय विखंडन है। इन किरणों की उपस्थिति का पता फोटोग्राफिक प्लेट की सहायता से लगाया जा सकता है, अर्थात अगर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आकर के ये गिरती हैं तो उस पर प्रभाव डालती हैं ये, ठीक है। गुण क्या होते हैं, गैसों को आयनीकृत कर सकती हैं, आयनन की क्षमता होती है इनके अंदर, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, रासायनिक क्रिया करती है, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्त का मतलब वहां पर कुछ ना कुछ उजाला जैसा बनेगा, स्फुट दीप्त हो गया, विवर्तन हो गया आदि करती हैं, तथा परमाणुओं के नाभिक के बारे में संसूचन देती हैं कि परमाणुओं का नाभिक कैसा होगा इसके बारे में भी हमें बताती हैं। ये किरणें आवेश रहित होती, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, 10^8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेड की मोटी परत इन किरणों को अवशोषित कर सकती है, ये इसके गुण है। अगर ये इनके गुण हैं तो उसके बाद में बात करते हैं कि इनके उपयोग फिर क्या होंगे, तो इनका उपयोग क्या किया जाता है, शरीर में अवांछनीय कोशिकाओं को अगर नष्ट करवाना है तो इनको ले आओ, जैसे कैंसर के इलाज में जो इनके बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नाभिकीय संरचना को ज्ञात करने में, कि नाभिकीय संरचना ज्ञात करने में इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो इनकी सहायता से हम ये देख सकते हैं कहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां है कहां नहीं, नाभिक कैसा है, उसका पता लगाने के लिए इन सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हो गए इसके उपयोग। सबके बारे में इतना जरूर याद रखना, खोज किसने की थी, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का परिसर क्या होता है, उनके गुण क्या होते हैं, और उनका उपयोग कहां किया जा सकता है। दूसरी होती है जिनको एक्स किरणें कहा जाता है, इनके उपयोग तो पहले से जानते होंगे, तो उपयोग का कोई नहीं, इनका जो खोज की थी इन्होंने किया था, रोंटजन ने, इन्होंने इसकी खोज की थी। इसका तरंग दैर्ध्य का परास 10^-11 से लगा करके 10^-8 मीटर की कोटि का होता है, आवृत्ति जो लिखी जाती है 3×10^19 से 1×10^16 हर्ट्ज तक लिखी जाती है। जब कैथोड किरणें या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन भारी तत्व से टकराते हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। बेसिकली कूलिज नलिका द्वारा इनको उत्पन्न किया जा सकता है। इस बार सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है, वैसे पिछले 2-3 साल से नहीं, यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं, एक्स किरणें पूरा चैप्टर होता है, इसे सेकंड पेपर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। कूलिज नलिका द्वारा इनको उत्पन्न किया जाता है, तो कैथोड किरणें या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन भारी तत्व से जब टकराते तब इनकी उत्पत्ति होती है, एक्स किरणें उत्पन्न हो गई। इन किरणों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए फोटोग्राफी प्लेट का उपयोग किया जा सकता है, एक्स किरणें, एक्सरे देखा होगा, तो उन सब का उपयोग किया जा सकता है। गुण के बारे में बात करें कि ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर रासायनिक क्रिया करती है, मतलब उसके साथ क्रिया करेंगी तो उसका प्रभाव हम देख सकते हैं, गैसों को आयनीकृत कर सकती, इससे पहले वो भी कर सकती थी, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती, हम लोगों ने पढ़ा था जब रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था, प्रतिदीप्त कैसे उत्पन्न होती है, जाते हैं टकराते हैं अल्फा कण, वैसे यहां पर एक्स किरणें जाती टकराती तो उत्पन्न करती प्रदीप्त। इसमें गामा किरणों के सभी गुण होते हैं, ये जो है इनके सभी गुण होते हैं, यहां पर इनमें गामा किरणों के सभी गुण होते हैं, किंतु इनकी भेदन क्षमता गामा किरणों की भेदन क्षमता से अपेक्षाकृत कम होती है, अर्थात जो इनकी ऊर्जा होती है, ऊर्जा कम होती है इनकी, उनकी 10^8 इलेक्ट्रॉन मिलियन
इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो इनकी ऊर्जा उससे कम होती है। तो अगर इनकी ऊर्जा कम होगी तो एक बात यह भी याद रखो, एक्स किरणें हो चाहे गामा किरणें हो, भेदन क्षमता तो रहती है ना दोनों की। तो अगर किसी जीवित प्राणी के ऊपर इनको काफी लंबे समय तक गिराया जाता है तो उस केस में उसकी कोशिकाएं भी नष्ट हो सकती हैं, ठीक है, हानिकारक होती हैं और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इन किरणों का उपयोग मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने, शरीर में टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए, कैंसर के उपचार में परमाणुओं की भीतरी इलेक्ट्रॉन के कोष की संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। कोई एक दो याद रखना, जो मन करे वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होती एक्स किरणें, खोज किसने की, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का परास क्या होता है, कैसे उत्पन्न हो सकती हैं, गुण क्या होते हैं, उपयोग कहां किए जाते हैं। अगला हमारे पास है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या होती है, तो इसकी खोज रेटर ने की थी, रेचर कहा जाता है इंग्लिश में, रेटर ने की थी। इनकी तरंग दैर्ध्य 10^-8 से लगा करके 10^-3.9×10^-7, अगर इसकी राउंडिंग ऑफ करो तो 10^-6 मीटर की कोटि की होती है। इनका जो आवृत्ति परास होता है 3×10^16 से 8×10^14 हर्ट्ज तक रहता है। सूर्य से दस्त प्रकाश के साथ पराबैंगनी किरणें भी उत्सर्जित होती है। ये बात हम लोगों ने भी की कि सूर्य जब ऊर्जा उत्सर्जित करता तो उसमें ये पराबैंगनी किरणें रहती, दस्त प्रकाश भी रहता। ओजोन मंडल के जो ओजोन लेयर है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती तो दस्त प्रकाश हम तक पहुंचता है। किंतु वायुमंडल में ओजोन परत के अवशोषण के कारण के द्वारा अवशोषण के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, किंतु विद्युत विसर्जन निर्वात स्पार्क से पराबैंगनी किरणें उत्पन्न की जा सकती है। अगला है इनका उपयोग, उनका उपयोग तो जानते होंगे, विटामिन डी बनाने में सहायक होती है। इन्हें गामा किरणों वाले सभी गुण होते हैं किंतु भेदन क्षमता बहुत कम होती है। ये किरणें प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं, ठीक है, जैसे सब करती हैं भी करती हैं। ये किरणें गैसों को आयनित कर सकती हैं, वो भी करती हैं, ये भी कर देती हैं। ये रासायनिक परिवर्तन के अत्यंत सक्रिय होती हैं, इसीलिए इनका एक और नाम लिख लो, क्रियाशील किरणें भी कहा जाता है। तो अगर पेपर में आता क्रियाशील किरणें क्या होती तो पराबैंगनी किरणें होती, प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ा था। जब कोई प्रकाश आकर के गिरता उपयुक्त तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का तो उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये बात हर्ट्ज ने हम लोगों को बताई थी, वो यहां पर है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अध्ययन में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। यहां पर इनके उपयोग लिखे गए हैं। इनका उपयोग कीटाणुओं को मारने, कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। हीरे जवाहरातों, ताजे अंडों तथा शुद्ध घी, अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेजों, उंगली के निशान आदि की पहचान के लिए हम इन पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कांच इन किरणों को अवशोषित कर लेता है। इन किरणों के अध्ययन के लिए क्वार्ट्ज, बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा ये क्वार्ट्ज या फ्लोरस्पार, जिसे पढ़ा होगा CF2 लिखा जाता है, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, CF2 प्रयुक्त किया जाता है। तो इनकी सहायता से हम पराबैंगनी किरणों का अध्ययन भी कर सकते हैं और यहां जो प्रिज्म प्रयुक्त किया जाएगा वो क्वार्ट्ज या CF2 का प्रिज्म रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये उपयोग हो गए। खोज किसने की, तरंग दैर्ध्य परास और आवृत्ति परास क्या होता है, कैसे उत्पन्न होती है और उनके गुण क्या होते हैं। अगला इसके बाद देखो दृश्य प्रकाश क्या होता है। तो इनका अध्ययन सर्वप्रथम न्यूटन ने किया था। खोज की तो बात ना करो, खोज तो ऋग्वेद से भी चली आ रही, लाइट की खोज के बारे में बात करते थे। ऋग्वेद में भी बताया गया था कि लाइट जो होती है वो 7 अलग अलग कलर से मिल करके बनी होती है। इसके लिए श्लोक भी ऋग्वेद में दिया गया, साइन ने जो कमेंट्री लिखी है, इस सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ लाइट जब पढ़ रहे थे तो वहां पर भी देखा था। तो इसकी खोज के बारे में तो नहीं कहेंगे लेकिन अध्ययन के बारे में कह सकते हैं कि सर आइज़क न्यूटन ने इसके बारे में पहली बार अध्ययन किया था। उन्होंने देखा था कि इनका तरंग दैर्ध्य का परास इतना होता है, ये यहां से यहां आवृत्ति यहां से यहां तक रहती है 8×10^14 से 4×10^14 तक। अदृश्य प्रकाश तरंगें जो होती हैं आयनित गैसों या ताप दीप्त वस्तुओं या इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती हैं। याद होगा बामर श्रेणी कहां मिलती थी, दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में मिलती थी। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वहां पर बामर श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं और बामर श्रेणी रेखाएं प्राप्त होती हैं दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण ये प्रकाश तरंगें उत्पन्न होती हैं। आगे बढ़ो, सूर्य दृश्य प्रकाश का मुख्य स्रोत होता है। एक ही आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को एकवर्णी प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो अगर किसी प्रिज्म के ऊपर एकवर्णी प्रकाश स्रोत गिरता है तो उसका विचलन होता है और अगर कोई सफेद प्रकाश आकर के गिरता है तो विक्षेपण होता, 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता, ये बात हम लोगों ने पढ़ा था। दृश्य प्रकाश के कारण वस्तु हमें दिखाई देती हैं। इनको उत्तेजित कौन करता है, केवल ई वेक्टर उत्तेजित करता है। ये किसको उत्तेजित करता है, हमारी दृष्टि नाड़ियों को उत्तेजित करता है।
दृष्ट नाड़ियों को उत्तेजित करता है। गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, तो गुण के बारे में पढ़े तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, एक ही में लिखा है, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, फोटोग्राफी की क्रिया तथा दृष्टि संवेदन, दृष्टि संवेदन के लिए उपयोगी होता, मतलब चीजें हमें दिखाई देती उसके लिए ये चाहिए होता है। वस्तुओं को देखने के काम आता, अगल बगल हमारे जो वस्तुएं होती देखने के काम आता है, 7-8 में पढ़ते थे क्या होता है, प्रकाश वह है जो खुद दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी वजह से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, वही बात है ये। लेकिन प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विकिरण है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब क्लास 7th-8th वाला डिफिनेशन नहीं लिखेंगे। अणुओं की संरचना ज्ञात करने में किया जाता है, परमाणुओं की बाह्य कोषों में इलेक्ट्रॉनों का प्रबंध कैसा उनका अरेंजमेंट है इनका पता लगाने के लिए किया जाता है, कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां भरे गए, कैसे भरे गए, इसका पता लगाने के लिए दृश्य प्रकाश का हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा तो उसके सापेक्ष कुछ ना कुछ ऊर्जा का एक फोटॉन निकलेगा, फोटॉन निकलेगा तो ऊर्जा बताएगा कि कहां से संक्रमण हो रहा है, किस ऊर्जा स्तर में। अगली है अवरक्त, इनको भी समझो। इनकी खोज विलियम हर्सेल ने की थी। इनका जो तरंग दैर्ध्य परास होता है 7.8×10⁻⁷ से 3×10⁻³ मीटर तक होता है। आवृत्ति का परास अगर देखा जाए तो 4×10⁻¹⁴ से लगा करके 6×10⁻¹⁰ तक होता है। पदार्थों को उच्च ताप तक गर्म करने पर किरणें उत्पन्न होती हैं, अतः इन्हें ऊष्मीय किरणें कहा जाता है, ऊष्मीय किरणें भी कहा जाता है, लिख लेना पूरा, इनको ऊष्मीय किरणें भी कहा जाता है। पदार्थों गर्म करने से उत्पन्न होती, ऊष्मा उत्पन्न होने से इनका ऊष्मीय प्रभाव अधिक होता है, इनका ऊष्मीय प्रभाव अधिक होता है। अधिक तरंग दैर्ध्य होने के कारण इनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। प्रकीर्णन याद होगा, प्रकीर्णन में क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा था, जो म्यू लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, ए प्लस बी बाई लैम्डा का स्क्वायर लिखा जाता है, सी डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 4 लिखा जाता है, और जो डेल लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, म्यू माइनस 1 लिखा जाता है, इनटू ए लिखा जाता है। प्रकीर्णन हम लोगों ने देखा था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है आई एस, वो समानुपाती होती है 1/λ^4 के, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती λ^4 के। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन तो बहुत कम होगा। और यहां पर म्यू और डेल में रिलेशन देखना चाहे तो विचलन के बारे में बात कर सकते हैं, नहीं करना तो रहने दो। बेलन क्षमता अधिक होती है, बढ़िया है, फलस्वरूप ये किरणें कोहरे और धुंध में भी अधिक दूरी तक जा सकती हैं। तो अवरक्त किरणें होती तो काफी दूरी तक जा सकती हैं, लेकिन बात वही फिर से, ये हमें दिखाई नहीं देती। उपयोग के बारे में बात करें तो किरणों का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए, कोहरे आदि में वस्तुओं को देखने के लिए, रोगियों की गर्म सिकाई करने के लिए इनका काम किया जाता है, कांच द्वारा ढके हुए पौधघरों में पौधों को गर्म करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, आजकल रेडियो के टीवी रिमोट कंट्रोल में भी इन तरंगों का उपयोग किया जा रहा है, वैसे उसमें सूक्ष्म तरंगें होती हैं लेकिन आजकल इनका उपयोग किया जा रहा है। तो ये हो गए अवरक्त किरणें, उनके गुण हो गए, इनके उपयोग हो गए। अगला देखो, अगला लास्ट है हमारा सूक्ष्म तरंगें, इसके बाद रेडियो तरंगें भी बचेंगी क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है ये। सूक्ष्म तरंगों की बात करें तो इसकी खोज हर्ट्ज ने की थी। इनका जो तरंग दैर्ध्य का परास होता 10⁻³⁻³ तक का होता, देखो बढ़ने लगी तरंग दैर्ध्य, और 3×10⁻¹ से लगा करके ये 3×10⁻⁸ तक रहता है, ठीक है, आवृत्ति परास। ये तरंगे विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं में क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन अथवा गन डायोड में विद्युतीय दोलनों द्वारा या दोलायमान आवेश के कारण उत्पन्न होती है। अगर कोई आवेश दोलन कर रहा होता है तो उस केस में ये उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला देखो, गुणों के बारे में बात करें तो चुंबकीय तरंगों के सभी गुण जैसे परावर्तन, ध्रुवण आदि सब कुछ इसमें होता है सूक्ष्म तरंगों में। उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग रडार में किया जा सकता है, टेलीफोन में, माइक्रोवेव ओवन में तथा रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में एवं संचार में किया जाता है। मतलब सूक्ष्म तरंगों का उपयोग, माइक्रोवेव जो होती है इनका उपयोग क्या किया जाता है, संचार व्यवस्था में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए भी किया जा सकता है। ये बात जानते होंगे, पढ़ा होगा। अगला पॉइंट यहां से देखो रेडियो तरंगों के बारे में, कि रेडियो तरंगे क्या होती है, तो इनको समझो। इनकी खोज मार्कोनी ने की थी, मार्कोनी ने की थी। तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से लगा करके 10⁵ लिखना चाहो 10⁵ मीटर लिख लो। जो ज्यादा तरंग दैर्ध्य रखती है रेडियो तरंगे उनको दीर्घ तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग कहा जाता है। आवृत्ति कहां से कहां, 3×10⁸ से लगा करके 3×10�³ मीटर हर्ट्ज तक होती है। ये तरंगे दोलित्र विद्युत परिपथों द्वारा उत्पन्न होती हैं, मतलब अगर दोलन कर रहा होगा कोई विद्युत क्षेत्र तो उसके द्वारा ये उत्पन्न होती हैं।
विद्युत चुंबकीय तरंगों के सभी गुण होते हैं परंतु इनका विवर्तन कम होता है। तो अगर ऑर्डर दे दिया जाए और पूछा जाए सबसे अधिक विवर्तन सबसे कम विवर्तन किसमें होता है, तो सबसे कम विवर्तन किसमें होगा, रेडियो तरंगों में सबसे कम विवर्तन होता है। ठीक है, अच्छा विवर्तन ये कम होता है क्यों है, क्या इसको समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था विवर्तन तब होता है जो छिद्र है या अवरोध है उसका आकार आपतित जो भी प्रकाश होता जो भी किरणें आपतित होने उनकी तुलना में बराबर होना कंपेरेबल होना चाहिए। यहां से देखो कितनी ज्यादा है, नहीं हो सकता, तो इनका विवर्तन बहुत कम होता है। उपयोग देखो रेडियो तथा टीवी के संचरण में संचार, हाँ टीवी के संचार में, नौ संचालन में, पुलिस रेडियो प्रसारण जो वॉकी टॉकी होता है उन सबके लिए हम रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। तो ये रेडियो तरंगे हो गई, खोज किसने की, तरंग का परास मतलब तरंग दैर्ध्य का परास, आवृत्ति का परास क्या होता है, गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, यहां पर हम लोगों ने देख लिया सूक्ष्म तरंगे क्या होती है, गुण और उपयोग देख लिए, ये होती है अवरक्त तरंगे, गुण और उपयोग देख लिया। याद रखना इनको जैसे पूछा जाएगा ये नोट्स आपके पास रहेंगे, इसमें से जो चीजें तुम्हें ठीक लगती हैं उनको मार्क करके लिख लेना है। कम से कम गुणों में एक दो गुण याद रखना है, उपयोग में कम से कम दो उपयोग लिखने हैं, तरंग दैर्ध्य का परास और आवृत्ति का परास लिखना ही लिखना है अगर आती है ये तो। ठीक है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का कि ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके जो यहां पर हम लोगों ने देखा था EY इज इक्वल टू में लिखते हैं E नॉट साइन KX माइनस ओमेगा टी, इस समीकरण के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और यहां पर BZ अगर लिखे तो B नॉट साइन KX माइनस ओमेगा टी, ये जो समीकरण होती इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इनके बीच में कला का अंतर दे दिया जाता है, कुछ यहां होता है फाई कुछ वैल्यू बनेगी तो वो कला का अंतर होता है। ये दोनों तो समान कला में चल रहे हैं, समान कला मतलब समान रूप से सब अधिकतम होंगे, समान समय में न्यूनतम हो जाएंगे। ये हो गए उपयोग पराबैंगनी किरणों के, पराबैंगनी किरणें क्या होती है, गुण क्या होते हैं देख लिया, एक्स किरणों के बारे में बात की, यहां गामा किरणें हो गई, और यहां पर हम लोगों ने देखा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पूरा क्या होता है, उसमें कौन कौन सी किरणें या तरंगे होती हैं। बेसिकली हमें सिर्फ एक छोटा सा भाग दिखता है, वो होता है विजिबल वाला, जो 3000 मतलब 600 से 7800 या अमूमन मान के चलो कि 4000 से लगा करके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो भाग होता है वो हमें दिखाई देता है। यहां पर सबसे किनारे होता है वायलेट, यहां पर सबसे किनारे होता है रेड। याद रखने का तरीका होता है GX UV IMR। अगर तरंग दैर्ध्य पूछा जाए कि निम्नलिखित में से तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी, ऑर्डर याद होगा तो बता देना, क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम, जो दाहिनी तरफ लिखे गए उनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, जो बाईं तरफ लिखे गए उनकी तरंग दैर्ध्य कम है। तो इस तरह से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को समझा जा सकता है, और याद कैसे रखना है वो शॉर्टकट तरीका देख लिया। यहां पर हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया है, अगली क्लास में हम इनके आंकिक प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो अब तक की जितनी भी क्लास हुई है उनको कंप्लीट करेंगे, उनको रिवाइज कर लेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।